आज हम बात करते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग के बारे में। शायद आपने शायद कभी सुना हो, गोरिल्ला मार्केटिंग एक अनकन्वेंशनल मार्केटिंग का तरीका है, मतलब जो नॉर्मल मार्केटिंग लोग करते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। तो ये कैसे हटके है, इसके सबसे पहले हम टाइप में घुस जाते हैं। जो जो टाइप्स होते हैं उससे आपको समझ में आएगा किस तरीके से अनकन्वेंशनल है। सबसे पहला टाइप इसका आता है आउटडोर। आउटडोर के अंदर क्या हुआ, हम बाहर कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग को। अब बाहर कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, गर्मियां चल रही है, बहुत गर्मी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ऑफिस के बाहर पानी का प्याऊ लगा देंगे, या फिर हम रूअब्जा बांटेंगे, या फिर हम जो भी काम करते हैं उसके रिलेटेड चीजें सामने फ्री में करेंगे। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एक मैम आती है, उनका साइकिल का काम है, तो मैंने उनको कहा आप फ्री में साइकिल में हवा भरो, तो क्या होगा, लोग वहां पे, हमने बड़ा सा पोस्टर लगा देना, हमने वहां पे लिख देना है यहाँ पे फ्री में हवा भरी जाती है। इससे वहां पे लोग फ्री में हवा भरवाने के लिए आएगी और उनको उनके ब्रांड के बारे में पता लग जाएगा। यहाँ पे हमारी कोई कॉस्टिंग आई नहीं है, यहाँ पे हमने वो जो लड़का रखा हुआ है वही लड़का काम कर रहा है और हमने उसी को कैपिटलाइज कर दिया। तो दिस इज वन टाइप ऑफ आउटडोर गोरिल्ला मार्केटिंग। और क्या हो सकती है, आपने शायद होर्डिंग्स देखी हो बड़ी बड़ी, आपने कुछ मॉल्स के अंदर कुछ अलग अलग चीजें देखी हो। मैं आपको कुछ पोस्टर्स दिखा रहा हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो आउटडोर के अंदर। एक चीज और बताता हूं आपको भाई, अपने ब्रांड की टी शर्ट बनाओ और जो आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेके जाएगा उसको वो टी शर्ट फ्री में दे दो। अब फ्री में देने से क्या फायदा होगा, अब भाई वो आपकी टी शर्ट लेके जाएगा, अच्छी क्वालिटी रखोगे टी शर्ट की तो वो पहनेगा। जैसे हमारा यूगन न्यूट्रिशन है प्रोटीन वाला, तो उसके अंदर हम प्रोटीन के डब्बे के साथ में एक टी शर्ट फ्री देते हैं। अब क्या होता है, वो बंदा टी शर्ट जब आप देखोगे उसकी फिटिंग ऐसी है कि डोले हिचकोले खाते हैं। अब डोले हिचकोले खाएंगे तो भाई वो बंदा जिम में पहन के जाएगा, उसके अंदर हमने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है यूगन न्यूट्रिशन की, बंदा देखेगा यूगन न्यूट्रिशन डोले अच्छे हैं इसके, तो भाई ये प्रोटीन खा रहा है, ये यूगन न्यूट्रिशन का प्रोटीन खा रहा है, इससे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाएगा। तो भाई आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटल हो गया, तो गोरिल्ला मार्केटिंग भी डिजिटल हो गई है। अगली बात करते हैं इंडोर गोरिल्ला मार्केटिंग। इंडोर के अंदर हमने क्या किया, हमने अपने स्टोर के अंदर कुछ ऐसा करना है जो कि बंदों को लगे कि भाई कुछ अच्छी चीज है। जैसे कि बंदा आपके स्टोर के अंदर घुसता है और अचानक उसको ऊपर फूल गिरते बाहर हो फूल, या फिर मैंने क्या किया भाई, मेरे घर के पास में एक चैरिटी वाली जगह है, संस्था है कोई बहुत बड़ी सी, वहां पे इनका कोई फंक्शन चल रहा है और वहां पे मैंने बहुत बड़ी चैरिटी कर दी। वहां पे सारे मेरे लोकल बंदे आए हुए थे, उनको पता लग गया कि भाई इस बंदे ने स्पेसिफिक चैरिटी करी है और वहां पे मैंने अपने ब्रांड की अवेयरनेस करा दी। जो चैरिटी का हॉल था मंदिर के अंदर कहां पे भी करी, वहां पे मेरी कंपनी का नाम लिखा गया, वहां पे अगर मैं चाहूं तो साइड में पोस्टर भी लगा सकता हूं क्योंकि मैंने चैरिटी दी है। तो इंडोर में अगर मैं कुछ भी करूंगा तो वो इंडोर गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर आएगी। कुछ फोटोज मैं आपको फिर से दिखा रहता हूं कि भाई इंडोर गोरिल्ला मार्केटिंग किस टाइप की हो सकती है। अब अगली चीज आती है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, दो चीज वायरल होती है हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। पहली चीज ट्रेंडिंग, जो चीज ट्रेंड में चल रही है वो चीज वायरल होगी। अब कैसे, ट्रेंड ढूंढ सकते हैं, गूगल ट्रेंड खोलो वहां पे देखो ट्रेंड क्या चल रहा है, या फिर ट्विटर खोलो वहां पे ट्रेंड चेक कर सकते हो, फेसबुक में भी ट्रेंड आता है, आपको वहां से ट्रेंड का आइडिया मिल जाएगा। तो जो ट्रेंड में चल रहा है उसके रिवॉल्व करो अपने मैसेज को, तो चांसेस है कि लोग भी उस आपके पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जीत जाएगी आज, मान लो आज इलेक्शन चल रहा है और मैं कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी जीत जाएगा तो लोग पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, मैंने उसके ऊपर कमेंट कर दिया भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, हो सकता है मेरे दोस्त भी मेरे को कमेंट करने लग जाए, इनिशिएट होना शुरू हो जाए। अब यहां पर मैं अपनी ब्रांड के पेज से कर रहा हूं, यहां से मेरे ब्रांड की अवेयरनेस हो रही है। YouTube के अंदर आपने एक गलत नेगेटिव, आप समझ रहे होगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, आपने एक ऐसी वीडियो बना दी जो कि ट्रेंडिंग हो गई, उसकी वजह से शायद हो सकता है आपको हेट्रेड मिली हो, शायद हो सकता है आपको पॉजिटिविटी मिली हो, पर अगर उसने आपकी एक वीडियो देख ली तो YouTube उसको बाकी वीडियोस भी आपकी रिकमेंड करने लग जाएगा। बाकी वीडियोस रिकमेंड होगी, उससे क्या फायदा होगा, अगर आपको अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, तो आपका प्रोडक्ट और आपका कंटेंट बहुत तेजी से बिकने लग जाएगा। अगली चीज क्या है भाई, अगली चीज है इमोशन। ट्रेंड नहीं उठाएंगे, इमोशन उठा लेंगे, हम लोगों की ऐसी चीज बोलेंगे जो कि लोगों के अंदर छू जाएगी दिल में। जैसे एक वीडियो मेरी ट्रेंड में आई थी कि इंजीनियरिंग कर ली तो जिंदगी झंड, हर एक बंदा हर एक इंजीनियर को सुनाता है कि भाई तूने इंजीनियरिंग करी तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से एक वीडियो बना दी और वो चीज वायरल हो गई। आज मुझे रियलाइज होता है वो क्यों वायरल हुई, क्योंकि हमने यहां पे इमोशन को टारगेट किया था।
तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो फेसबुक के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर कहीं पे भी एक इमोशनल ट्रिगर कर सकते हो। ध्यान देने की बात यह है जो चीज वायरल हो रही है सोशली हो रही है, तो गोरिल्ला मार्केटिंग का जो वायरल वाला पार्ट है ये आज के टाइम का है। जरूरी तो नहीं है टीवी में भी वही चीज वायरल हो सकती है, कोई होर्डिंग, कोई एड, जैसे मेरे दिमाग में गूगल की एड आती है, मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब चेक करना और मुझे बताना वो आपको एड कैसी लगी। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा लगती है अच्छी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशन है और उन्होंने अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से बेचा है। ये मैं, ये यूसुफ लंगोटिया यार सी मेरा, लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था, उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। अगली चीज आती है एम्बुश मार्केटिंग। एम्बुश मार्केटिंग के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आई बटन में आपको दिखा देता हूं, आप चेक कर लेना, पर मैं आपको फिर भी बताता हूं एम्बुश मार्केटिंग क्या होती है। एम्बुश मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, हम भाई छुप के मार्केटिंग कर रहे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं लग रहा। जैसे कि मान के चलो कोई बड़ा सा फुटबॉल का इवेंट हो रहा है या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहा है वीवो, तो मैंने क्या किया, जहां पर भी क्रिकेट के मैच चल रहे हैं जितने भी रास्ते या होर्डिंग जो भी है वहां पे मैंने नोकिया के पोस्टर लगा दिए या फिर अपने ब्रांड के पोस्टर लगा दिए, तो लोगों को लगने लगेगा कि भाई नोकिया स्पॉन्सर है, सबके दिमाग में नोकिया घुसने लग जाएगा, पर वीवो स्पॉन्सर कर रहा था, लोगों के दिमाग से फेड अप होने लग जाएगा। तो दिस इज पार्ट ऑफ एम्बुश मार्केटिंग, ऊपर आई बटन पे चेक करना, आपको आइडिया मिल जाएगा एम्बुश मार्केटिंग होती क्या है। इसी के साथ अगला पॉइंट है जिसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो चीज होती है आपकी एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। यहां पे आपने अपना प्रोडक्ट सामने वाले को एक्सपीरियंस कराना है। सैमसंग के स्टोर में जाते हैं, वहां पे आपको वीआर लगा के वीआर का एक्सपीरियंस दिया जाता है। अभी तक लोगों को नहीं पता व्हाट इज वीआर, वीआर होता क्या है, पर यहां पे आपको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। तो यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपको सामने वाले को एक्सपीरियंस कराना है अपना प्रोडक्ट। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि लिपस्टिक लेने के लिए कोई लड़की जाती है तो लिपस्टिक ट्राई कर सकती है वो स्टोर के अंदर। बहुत सारी जगहों के अंदर आप प्रोडक्ट लेने जाती हो, टी शर्ट को ट्राई कर सकते हो, पहले ट्राई करो फिर लो। तो दिस इज एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, आई बटन में चेक कर लेना, डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है, सैरा जेम के बारे में बता रखा है उस वीडियो के अंदर, देखना डिटेल में समझ में आएगा क्या होती है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। इसका एक और पार्ट है भाई ग्रास रूट मार्केटिंग। मतलब क्या हुआ, हम ग्रास की रूट में मार्केटिंग कर रहे हैं, हम ऐसी चीज को पानी दे रहे हैं जो कि एकदम वायरल हो सकती है। ग्रास रूट मार्केटिंग में कहूंगा थोड़ा सा वायरल मार्केटिंग से रिलेटेड है। यहां पे मैं कॉज को फॉलो कर रहे हैं कि भाई अभी कुछ गलत हो गया हमारे देश के अंदर, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूट्यूब के ऊपर शेयर कर दिया, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दिया, पैम्पलेट्स बंटवा दिए, बैनर्स लगवा दिए, होर्डिंग लगवा दी, कुछ भी कर दिया। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रास रूट मार्केटिंग। यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि भाई मेरी जड़ें कैसी है, मैं किस टाइप का इंसान हूं, यहां पे मेरी ब्रांड बढ़ भी सकती है और खत्म भी हो सकती है। अगर मैंने कुछ ऐसे कॉज को पकड़ लिया जो कि मेरे ब्रांड के एकदम अगेंस्ट चला गया, उसके ऊपर अगेंस्ट बातें चलने लग गई। सलमान खान ने कुछ रिसेंटली बोला था कि भाई आप गलत कर रहे हो एक्टर्स के साथ, पाकिस्तान वालों के साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। तो दिस इज पार्ट ऑफ ग्रास रूट मार्केटिंग, मैं आपको एग्जांपल देके कह रहा हूं कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया पर वो चीज एकदम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर चली गई, तो वहां से आपकी ब्रांड बिल्डिंग खराब भी हो सकती है। तो ग्रास रूट मार्केटिंग अगर आपको यूज करनी है तो उस तरीके से यूज करनी है कि हमारी ब्रांड बिल्डिंग खराब ना हो, ब्रांड इक्विटी खराब ना हो, ब्रांड की इमेज खराब ना हो। अब थोड़े से और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसी टाइप की मार्केटिंग के, ये अलग है इन मार्केटिंग से। इलेक्शन के टाइम पे केजरीवाल का फोन आता है मेरे पास कि मैं केजरीवाल बोल रहा हूं, दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, दिल्ली की जनता ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। क्या केजरीवाल असली में मुझे फोन कर रहा था? नहीं, यहां पे कॉल रिकॉर्ड हो रखी थी और वो कॉल रिकॉर्ड चल रही थी, सबको लग रहा था, जो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता था कॉल रिकॉर्डिंग है, उनको लग रहा था मैं केजरीवाल से बात करी, तो यहां पर्सनल टच आ रहा था इस चक्कर में, इलेक्शन में उसको ज्यादा वोट मिले, रिजल्ट सबको पता है। मेरे को पर्सनल लगता है कि भाई ये जो केजरीवाल करता है अच्छी मार्केटिंग करता है, इसको पता है कि गोरिल्ला मार्केटिंग किस तरीके से करी जाती है। आइडियली ऐसा कहा जाता है गोरिल्ला मार्केटिंग आपको कम कॉस्ट में ज्यादा कन्वर्जन दे देती है एक स्पेसिफिक लोकल एरिया के अंदर, तो भाई मेरे को लगता है गोरिल्ला मार्केटिंग अच्छी करता है। आप नीचे कमेंट में बताना कि करता है या फिर नहीं करता। अगला एक और एग्जांपल देता हूं, इंस्टाग्राम पे थोड़े टाइम पहले हमने एक चीज देखी कि भाई एक रुपए में बुफे, मेरे भाई की जान खाओ, वीडियो बनाया गया वहां जाके, मेरे भाई ने उनसे बात करी तो वो कहते सर आपको एक रुपए का नोट लाना पड़ेगा और हमारे पास दिन के अंदर सिर्फ 5 एंट्रीज होती है, वो अभी भर चुकी है, आप कल ट्राई करना।
तो पहली चीज मेरे को उनके बारे में पता लग गया, दूसरी चीज मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना रहा हूं, तीसरी चीज वहां पे जितने लोग गए होंगे वहां पे उनका उन्होंने खाना ट्राई किया, उनको खाना अच्छा लगेगा और दोबारा से वहां पे आएंगे। रेट भी रीजनेबल था, 600-700 रुपए के आसपास का था, अनलिमिटेड खाना, चिकन वेज सब कुछ, अंधा हाव तबाह के, शायद ड्रिंक्स भी थी उसके अंदर, याद नहीं मुझे, मेरे को ब्रांड का नाम भी याद नहीं है, जो कि एक गलत मार्केटिंग स्टेटमेंट है। अगर आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर आपके ब्रांड का नाम लोगों को याद नहीं हो रहा तो वो गलत है। एक और बात करता हूं, आज सुबह से जो मैं देख रहा हूं, किटकैट की वीआर वाली ऐड आ रखी है, हमेशा यूट्यूब खोल रहा हूं तो वीआर वाली ऐड दिख रही है फोन के अंदर, कि आप देख रहे हो किटकैट को, उसको फोन को घुमा रहे हो तो वो ऐड चेंज हो रही है, शायद आपने देखी हो, शायद आपने ना देखी हो, नहीं देखी तो सर्च मार के देखना किटकैट यूट्यूब ऐड, आपको समझ में आ जाएगा। और एक पूरा बिजनेस मॉडल गोरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर टिका हुआ भाई, शायद आपने देखा होगा कि आप गाड़ी लो, आपको स्पेसिफिक डाउन पेमेंट दो, उसके बाद जितनी भी ईएमआई होगी वो कंपनी देगी, बस कंडीशन ये रहेगी कि आपको 5,000 या 10,000 किलोमीटर चलाना है महीने का, पेट्रोल आप भरोगे और आप फ्री में गाड़ी आपकी, मतलब 10 लाख की गाड़ी लो, 2 लाख रुपए दो डाउन पेमेंट, उसके बाद वो गाड़ी आपकी, बस उस पूरी गाड़ी के ऊपर स्टिकर्स लगे होंगे उस कंपनी के, जो वो चाहेगी वो स्टिकर लगेगी, आपको जो करना है गाड़ी के साथ आप करो, ईएमआई कंपनी पे करेगी, सही चीज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो उन कंपनी को, मेरे को नाम याद नहीं है, सर्च मारना आपको मिल जाएगी, अगर किसी को पता है नीचे कमेंट के अंदर बता देना वो कंपनी कौन सी है। तो वो क्या करते हैं, वो ब्रांड्स को पकड़ते हैं, वो कहते हैं देखो हमारे पास इतनी गाड़ी है, अगर आप इस गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगाओगे तो लोगों को पता लगेगा। एक गोरिल्ला मार्केटिंग का एग्जांपल दिखाता हूं, फोटो दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से गोरिल्ला मार्केटिंग गाड़ियों के ऊपर आप कर सकते हो। तो ये चीज गोरिल्ला मार्केटिंग किसके अंदर आएगी, आउटडोर के अंदर। अगर हम यहाँ पे सिर्फ आइडियाज के बारे में बात करते रहेंगे तो भाई पता नहीं कितने आइडियाज है गोरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर, पता नहीं क्या क्या आप कर सकते हो। गूगल पे सर्च मारना, वो तो लोगों ने कर रखे है, अगर आपको अपने ब्रांड के लिए करना है तो कुछ यूनिक सा करना, जैसे कि एक वायरल मार्केटिंग बताता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई बंदा है जो कि हाथ से खोलते हुए तेल के अंदर पकौड़े तल के निकालता है, तो क्या हुआ, वो ऐसा करता है, लोगों ने वीडियो बनाई, आजकल सोशल ही है तो वो चीज शेयर हुई, वो चीज वायरल हुई और लोग वहां पे जाके देखने के लिए जाते हैं वो क्या करता है, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, टेस्टी होगा तो लोग वहां पे रिपीट आने लग जाएंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग उसका छोटा सा पार्ट है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ लेना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना गोरिल्ला मार्केटिंग को लेके, क्या आप अपने बिजनेस के अंदर गोरिल्ला मार्केटिंग कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। एमबीए वाले स्टूडेंट तो भर देना, गोरिल्ला मार्केटिंग आ जाए तो बहुत कुछ बता दिया है, सब कुछ लिखोगे तो 10 नंबर में से 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।